हाय एवरीवन, कैसे हो आप सब। आपने स्टार्टिंग में प्रीव्यू देख ही लिया है। ऐसे सेम वायरल रील वीडियो एडिट करना चाहते हो तो इस वीडियो को शुरू से एंड तक देखना। आपको सबसे इजी तरीके से वीडियो एडिट करना सिखा दूंगा। अलाइट मोशन ऐप को ओपन करते हैं। जैसे ही ऐप को ओपन करते हैं आपके सामने ऐसा इंटरफेस आपको देखने को मिलता है। आपको प्लस पर टैप करना है। आप यहाँ से वीडियो रेशो सेलेक्ट कर सकते हैं। इस पर टैप करना है। क्रिएट प्रोजेक्ट पर टैप करना है। प्लस पर टैप करना है। मीडिया में टैप करना है। आपको यहाँ से फ़ोटो को सेलेक्ट करना है जिस पर आप एडिटिंग करना चाहते हैं। इमेज पर टैप करना है। मूव पर टैप करना है। आपको इस पर टैप करना है। आपको इसके साइज को बढ़ा देना है। आपको इसको जूम कर देना है। इस पर टैप करना है। आपको इसको सेंटर में एडजस्ट कर देना है। बैक आना है। इमेज पर टैप करना है। प्लस पर टैप करना है। डुप्लीकेट लेयर पर टैप करना है। कॉपी लेयर पर टैप करना है। मूव पर टैप करना है। आपको इस पर टैप करना है। आपको इसकी साइज को कम कर देना है। वीडियो में सॉन्ग ऐड करने के लिए आपको प्लस पर टैप करना है। आपको यहाँ से वीडियो को सेलेक्ट करना है जिसका आप सॉन्ग यूज़ करना चाहते हैं। वीडियो लेयर पर टैप करना है। थ्री डॉट पर टैप करना है। आपको ऑडियो पर टैप करना है। आप यहाँ से वीडियो का ऑडियो यूज़ कर सकते हैं। आपको वीडियो लेयर पर टैप करना है। आपको इसको डिलीट कर देना है। फोटो लेयर पर टैप करना है। लास्ट में जाना है। आपको इस पर टैप करना है। आपको इसकी ड्यूरेशन को फुल कर देना है। प्लस पर टैप करके आप यहाँ से ऑडियो सेलेक्ट कर सकते हैं। प्लस पर टैप करना है। आपको यहाँ से सेव को सेलेक्ट करना है। इस पर टैप करना है। लेयर पर टैप करना है। लास्ट में जाना है। आपको इस पर टैप करना है। लेयर पर टैप करना है। मूव पर टैप करना है। आपको इस पर टैप करना है। आपको इसको जूम कर देना है। बैक आना है। एयर पर टैप करना है। एडिट सेव पर टैप करना है। आपको एक्स पर टैप करना है। आपको इसको 110 कर देना है। बैक आना है। टूल एयर पर मार्क करना है। होल्ड करके टैप करना है। आपको इस पर टैप करना है। ग्रुप पर टैप करना है। एडिट ग्रुप पर टैप करना है। इमेज पर टैप करना है। मूव पर टैप करना है। आप यहाँ पर फोटो को एडजस्ट कर सकते हैं। इस पर टैप करना है। आपको इसको सेंटर में कर देना है। बैक आना है। न्यू प्रोजेक्ट पर टैप करना है। ग्रुप पर टैप करना है। मूव पर टैप करना है। इस पर टैप करना है। आपको इसकी साइज को कम कर देना है। बैक आना है। इफेक्ट ऐड करने के लिए बैकग्राउंड इमेज पर टैप करना है। इफेक्ट पर टैप करना है। ऐड इफेक्ट पर टैप करना है। कलर एंड लाइट पर टैप करना है। आपको नीचे की साइड आना है। आपको इस पर टैप करना है। स्टैंडर्ड सेटिंग कर देना है। इस पर टैप करना है। -100 कर देना है। बैक आना है। ऐड इफेक्ट पर टैप करना है। कलर एंड लाइट पर टैप करना है। आपको इस पर टैप करना है। स्टैंडर्ड सेटिंग कर देना है। ओपन करना है। आपको गामा पर टैप करना है। आपको इसको कम कर देना है। बैक आना है। ऐड इफेक्ट पर टैप करना है। आपको नीचे की साइड आना है। इस पर टैप करना है। आपको इस पर टैप करना है। स्टैंडर्ड सेटिंग कर देना है। ओपन करना है। आपको साइज पर टैप करना है। आपको इसको 0 कर देना है। राउंडनेस पर टैप करना है। आपको इसको 0 कर देना है। ऐसे ही आपको इस पर टैप करना है। आपको इसको 0 कर देना है। बैक आना है। बैकग्राउंड इमेज पर टैप करना है। मूव पर टैप करना है। आपको इसको जूम कर देना है। ग्रुप लेयर पर टैप करना है। इफेक्ट पर टैप करना है। ऐड इफेक्ट पर टैप करना है। कलर एंड लाइट पर टैप करना है। आपको यहाँ से इफेक्ट को सेलेक्ट करना है। इस पर टैप करना है। इस पर टैप करना है। +15 कर देना है। बैक आना है। ऐड इफेक्ट पर टैप करना है। कलर एंड लाइट पर टैप करना है। आपको यहाँ से ब्राइटनेस को सेलेक्ट करना है। इस पर टैप करना है। स्टैंडर्ड सेटिंग कर देना है। ओपन करना है। आपको इस पर टैप करना है। +11 कर देना है। बैक आना है। ऐड इफेक्ट पर टैप करना है। कलर एंड लाइट पर टैप करना है। आपको इस पर टैप करना है। स्टैंडर्ड सेटिंग कर देना है। ओपन करना है। आपको गामा पर टैप करना है। आपको इसको 1.045 कर देना है। बैक आना है। ऐड इफेक्ट पर टैप करना है। मूव एंड ट्रांसफॉर्म पर टैप करना है। आपको इस पर टैप करना है। स्टैंडर्ड सेटिंग कर देना है। ओपन करना है। आपको इस पर टैप करना है। 0.21 कर देना है। एंगल 1 पर टैप करना है। -4.2 कर देना है।
एंगल 2 पर टैप करना है, प्लस 4.2 कर देना है। बैक आना है, ऐड इफेक्ट पर टैप करना है, मूव पर टैप करना है, आपको इस पर टैप करना है, स्टैंडर्ड सेटिंग कर देना है। ओपन करना है, आपको इस पर टैप करना है, 0.50 कर देना है। मैग्नीट्यूड पर टैप करना है, आपको इसको 4 कर देना है। बैक आना है, क्राउन इमोजी ऐड करने के लिए आपको प्लस पर टैप करना है, मीडियम में टैप करना है, आपको यहाँ से इमोजी सेलेक्ट करना है। इस वीडियो में जो भी मटेरियल यूज़ किया जाएगा आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगा। लेयर पर टैप करना है, लास्ट में जाना है, आपको इस पर टैप करना है। लेयर पर टैप करना है, मुँह पर टैप करना है, आपको इस पर टैप करना है, आपको इसके साइज़ को कम कर देना है। इस पर टैप करना है, आपको इसकी पोजिशन को सेट कर देना है, आपको इसको अच्छे से एडजस्ट कर देना है। बैक आना है, पीएनजी लेयर पर टैप करना है, प्लस पर टैप करना है, डुप्लीकेट लेयर पर टैप करना है, कॉपी लेयर पर टैप करना है, मुंह पर टैप करना है, आपको इसको नीचे की साइड कर देना है। बैक आना है, इंस्टा आईडी चैनल नेम क्रिएट करने के लिए आपको प्लस पर टैप करना है, टेक्स्ट पर टैप करना है, आप यहाँ पर टाइप कर सकते हैं। कलर पर टैप करना है, वाइट कलर सेलेक्ट करना है, आपको इस पर टैप करना है, लिरिक्स को सेंटर में कर देना है। 18 PT पर टैप करना है, आप इसे जूम कर सकते हैं, टिक कर देना है। लेयर पर टैप करना है, लास्ट में जाना है, आपको इस पर टैप करना है। लेयर पर टैप करना है, मूव पर टैप करना है, आपको इसकी पोजिशन को सेट कर देना है, आपको इसको सेंटर में एडजस्ट कर देना है। बैक आना है, लेयर पर टैप करना है, इफेक्ट पर टैप करना है, ऐड इफेक्ट पर टैप करना है, लास्ट में जाना है, टेक्स्ट पर टैप करना है, आपको इस पर टैप करना है, स्टैंडर्ड सेटिंग कर देना है। लेटर पर टैप करना है, आपको इसको 49 कर देना है। बैक आना है, लेयर पर टैप करना है, एडिट टेक्स्ट पर टैप करना है, आपको इसको एक लाइन में कर देना है, क्लिक कर देना है। लेयर पर टैप करना है, मूव पर टैप करना है, आपको इसके साइज को कम कर देना है। बैक आना है, सॉन्ग लिरिक्स लिखने के लिए आपको ब्लैक स्क्रीन वीडियो को ऐड करना है, प्लस पर टैप करना है, मीडियम में टैप करना है, आपको यहाँ से वीडियो को सिलेक्ट करना है। लेयर पर टैप करना है, ब्लेंडिंग में टैप करना है, आपको लाइट पर टैप करना है, स्क्रीन पर टैप करना है। बैक आना है, ब्लैक स्क्रीन वीडियो में ऑलरेडी सॉन्ग दे रखा है, आपको इसको डिलीट कर देना है। पार्टिकल ऐड करने के लिए आपको प्लस पर टैप करना है, आपको यहाँ से शेप को सिलेक्ट करना है। एयर पर टैप करना है, थ्री डॉट पर टैप करना है, फिल कर देना है। कलर एंड फिल पर टैप करना है, आपको यहां से ब्लैक कलर सेलेक्ट करना है। बैक आना है, एयर पर टैप करना है, लास्ट में जाना है, आपको इस पर टैप करना है। एयर पर टैप करना है, इफेक्ट पर टैप करना है, ऐड इफेक्ट पर टैप करना है, आपको इस पर टैप करना है, आपको यहां से इसको सेलेक्ट करना है, स्टैंडर्ड सेटिंग कर देना है। स्केल पर टैप करना है, 1.22 कर देना है। साइज पर टैप करना है, 0.133 कर देना है। स्टार्टिंग में आना है, आपको इस पर टैप करना है, वाई को सिलेक्ट करना है, आपको स्टार्टिंग में प्लस देना है, एंड में प्लस देना है, एंड में आपको वाई को सिलेक्ट करना है, प्लस 380 कर देना है। बैक आना है, एयर पर टैप करना है, ब्लेंडिंग में टैप करना है, लाइट पर टैप करना है, स्क्रीन पर टैप करना है। बैक आना है, लेयर की साइड में टैप करना है, होल्ड करके आपको इसको ग्रुप के नीचे कर देना है। HDR इफेक्ट ऐड करने के लिए आपको प्लस पर टैप करना है, आपको यहाँ से सेव को सिलेक्ट करना है। लेयर पर टैप करना है, थ्री डॉट पर टैप करना है, फिल कर देना है। कलर एंड फिल पर टैप करना है, आपको यहाँ से इस कलर को सिलेक्ट करना है। बैक आना है, लेयर पर टैप करना है, इफेक्ट पर टैप करना है, ऐड इफेक्ट पर टैप करना है, लास्ट में जाना है, अदर पर टैप करना है, आपको यहाँ से कॉपी बैकग्राउंड को सिलेक्ट करना है, स्टैंडर्ड सेटिंग कर देना है। बैक आना है, ऐड इफेक्ट पर टैप करना है, ब्लर पर टैप करना है, आपको इस पर टैप करना है, स्टैंडर्ड सेटिंग कर देना है। ओपन करना है, इस पर टैप करना है, 0.295 कर देना है। बैक आना है, ऐड इफेक्ट पर टैप करना है, कलर एंड लाइट पर टैप करना है, आपको इस पर टैप करना है, स्टैंडर्ड सेटिंग कर देना है। ओपन करना है, इस पर टैप करना है, -0.91 कर देना है। बैक आना है, लेयर पर टैप करना है, ब्लेंडिंग में टैप करना है, आपको नीचे की साइड आना है, आपको इस पर टैप करना है, थर्ड ऑप्शन पर टैप करना है।
बैक आना है, प्लस पर टैप करना है, आपको यहाँ से सेव को सिलेक्ट करना है, लेयर पर टैप करना है, थ्री डॉट पर टैप करना है, फिल कर देना है, कलर एंड फिल पर टैप करना है, वाइट कलर सेलेक्ट करना है, बैक आना है, लेयर पर टैप करना है, ब्लेंडिंग में टैप करना है, आपको नीचे की साइड आना है, इस पर टैप करना है, फर्स्ट ऑप्शन पर टैप करना है, बैक आना है, टू लेयर पर मार्क करना है, होल्ड करके टैप करना है, आपको लास्ट में जाना है, आपको इस पर टैप करना है। आप स्क्रीन पर देख सकते हैं ऑल इफेक्ट ऐड कर दिए, ऐसे ही आप कर सकते हैं। वीडियो को सेव करने के लिए एरो पर टैप करना है, एक्सपोर्ट कर देना है। इस वीडियो से आपको कुछ भी सीखने को मिला है तो वीडियो को लाइक कर सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।